हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके ऊपर किसको क्रश है। वो पर्सन के सारे डिटेल्स आज हम लोग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखते हैं कि चुप चुप के कौन आप पे इंटरेस्ट ले रहा है, कौन आप पे फिदा है और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये सारी ही चीज़ों की जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिकअप कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, आप लोगों ने इंटिटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंटिटिवली चुनना है इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रुप आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुँचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। जो लोग इंटिटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड भी रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये सिंबल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप वन में आते हो। ये स्टार विथ एंजल है, अगर आप लोगों को ये एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप टू में आते हो। ये मून विथ एंजल है, आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप वन की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप टू आपसे मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप वन, तो आइए देखते हैं कि आपके ऊपर कौन फिदा है, कौन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन आपको पसंद करने लगा है, उनकी सारी जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ एक चांस ले लेते हैं सो दैट हमको उनके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चले। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है आपको काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहा है, या फिर आप लोग इनसे मिलते पिछड़ते रहते हो, या फिर काफ़ी टाइम से आप इनको जानते हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि ये इंसान आपके पास्ट एनर्जी से कनेक्टेड हो। दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आप लोगों का प्रोसेस जो है वो एंडलेस हो सकता है। हो सकता है कि ये पास्ट में भी आपसे मिला था, फिर कोई सिचुएशन आ गई थी और फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए थे, फिर से इनसे मिलने के चांसेस यहाँ पे आ गए हो, ऐसा कुछ यहाँ पे इनके साथ होते रहता है। ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो सकता है, यानी हो सकता है कि इनको पुरानी मूवीज देखना पसंद हो या फिर इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ना हो, इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस की ये वैल्यू करता हो, अपने जड़ों से ये जुड़ा हो, ये मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा रैबिट भी निकला है तो ये थोड़े से डरपोक हो सकते हैं, ये उतने भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। काफ़ी टाइम से आपको पसंद कर रहे हैं लेकिन आपको अप्रोच करने से डरते हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टार का सिंबल भी निकला है तो हो सकता है कि ये इंसान जब भी स्टार्स को देखता है या फिर उनको ऐसे लगता है कि आप उनके पास हो के भी पास नहीं हो। जैसे स्टार्स होते हैं जो हमारे करीब होने का एहसास हमको होता है लेकिन एक्चुअल में नहीं होते हैं, वैसा ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पे एक एरो भी आया है तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस्ड है, रह रहे के आप इनको याद आते रहते हो या फिर इनकी एक पैरेलल लाइफ है लेकिन उसके बावजूद ही आपके थॉट्स को रिमूव नहीं कर पाता हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स जो है वो रिपीट हुए हैं इसलिए मैं फिर से इनके बारे में नहीं बताऊंगी। एक छोटा सा ये फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है,
यहाँ पे जो एक फिश आई है तो बहुत ज्यादा रोमांटिक ये इंसान हो सकता है, पाइसिस की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, इमोशनल फूल किस्म के ये इंसान हो सकते हैं। हनी भी यानी फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन होगा, बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड, लविंग केयरिंग इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। ये सिंबल्स थोड़े से मैं इधर सरकार फर्स्ट कार्ड फाइव ऑफ पेंटाकल्स, नाइन ऑफ पेंटाकल्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड, टावर, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये एक ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको हर्ट किया है। हो सकता है कि आप इनको अच्छे से जानते हो और इन्होंने आपको हर्ट किया हो, या फिर ये आपके लाइफ में आ चुके हो और फिर कुछ हर्ट करके ये चले गए हो, ये पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या फिर कमिटेड है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के अलावा और कोई थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे रहने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं, और वो पर्सन के रहने के बावजूद भी इन्होंने आपके लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप किए हैं। वो उस इंसान के साथ उतने भी ज़्यादा खुश नहीं है, उनके साथ वो स्टक है, उनका वो कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, और आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन तो है, बट उनको ये नहीं समझ आता है कि कैसे उन फीलिंग्स को आप तक रखे, या फिर ये दूर दूर से आपको निहारते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, कई बार आपने भी इनको नोटिस किया हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपके पास से कनेक्टेड है और अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ चुका है, या फिर पहले से हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये इनके प्रोमिनेंट सिग्नल्स हैं इनको पहचानने के, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। टावर का कार्ड मुझे ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच में या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से आप लोगों ने एक दूसरे को हर्ट कर दिया था, मूव ऑन करना पड़ा हो, ये आपके एक्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि उनको दोबारा आप में इंटरेस्ट आ गया हो, दोबारा ही आपको स्टॉक कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द चक्कर चला रहे हो, आपको ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको खोने के बाद इनको आपकी वैल्यू का पता चला है। आप जब तक इनके साथ थे तब तक आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ एफर्ट्स डाले हो, या फिर आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत जाना पहचाना ये पर्सन रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे पेंटाकल्स के कार्ड वर्क रिलेटेड मीटिंग को दर्शा रहे हैं। ये ऑफिस रोमांस हो सकता है, या फिर जहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी जहाँ होती है, जैसे जिम हो गया, वर्कआउट की जो प्लेसेस होती है, या फिर योगा मेडिटेशन के जो क्लासेस होते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, या फिर कोई हायर एजुकेशन जैसे यूनिवर्सिटी के दौरान आप लोग मिले हुए इन लोगों से, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। जजमेंट का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि इस इंसान का लाइफ भी आसान नहीं है। इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, बट ये अपने लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव इन्होंने महसूस किए हो, फिर आगे पहुंचे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। हो सकता है कि आप इस इंसान को जानते हो, लेकिन अब आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो, ये चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है, या फिर इन्होंने आपके लिए कोई रुखा व्यवहार दिखाया हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि ये इंसान इन फ्यूचर आपको कुछ कन्फेशन कर सकता है, या फिर आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर आपके सामने अपने दिल की बात रख सकता है। हालांकि अभी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते रह जाते हैं, एक ओवरथिंकर की एनर्जी मुझे इनके साइड से दिखाई देती है, और वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इनका जो थॉट प्रोसेस है वो इनको सामने आने से रोकता है। तो ऊपर से कोल्ड और न्यूट्रल रिस्पॉन्स देने वाला पर्सन अंदर से आपके ऊपर फिदा हो, ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये आपको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बाकी लोगों से, ये जिस तरीके से
मिलते हैं उसमें और आप में थोड़ा सा ये चेंज कर सकते हो, या तो ये आपको इग्नोर करते हो या फिर बहुत अच्छा ही एक्स्ट्रा स्माइलिंग फेस के साथ आपसे मिलते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है आपकी वजह से ये नर्वस हो जाते हैं, यानी दूर से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं लेकिन जब बात कहने की आती है तब साइलेंस रहता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है क्योंकि खामोशी वाली लाइकिंग, खामोशी वाली स्टॉकिंग मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैजिशियन का कार्ड भी हिडन इमोशंस को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील करना लेकिन सीक्रेटली, तो ये आपका सीक्रेट एडमायरर है और इसके कुछ लिमिटेशंस की वजह से ये फ्रंट में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आपका गट फीलिंग आपको ये बता सकता है कि ये कौन है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये जो इंसान है इनकी बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, जब ये बातें करते हैं तब सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले या फिर बहुत ह्यूमरस बातें करने वालों में से ये हो सकते हैं। इनकी बातें जब शुरू हो जाती है तब सामने वाले जो है वो सिर्फ इनको सुनना पसंद करते हैं, इस टाइप की इनकी एनर्जी मुझे लग रही है। या तो ये कम बोलने वालों में से है और जब बोलते हैं तब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बोलते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। किसी मैरिज सेरेमनी में भी आप लोगों के मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, बट आप लोगों के बीच में कुछ एक ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंड के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि कोई एज डिफरेंस हो या फिर उनका मैरिड होना कमिटेड होना या फिर आपका मैरिड होना कमिटेड होना, इस टाइप के कुछ डिफरेंसेस रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये जो भी हुआ है उनके साथ वो बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, यानी इन्होंने जब नहीं सोचा था उस मुकाम पे आप इनको अच्छे लगने लगे हो, यही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो इनके लाइफ में ना सडन चीज़ें होती रहती है, यानी ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाना, एक शॉक के जैसे आप इनके लाइफ में आए हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप वन के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। हेलो ग्रुप टू, तो आइए देखते हैं कि आपके ऊपर कौन फिदा है, कौन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या सोचते हैं वो, आपके बारे में कैसा फील करते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं। उस पर्सन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे फर्स्ट सिंबल जो निकला है वो स्पेक्स है, तो या तो आप स्पेक्स लगाते हो या वो स्पेक्स लगाते हो, और अगर स्पेक्स नहीं है तो हो सकता है कि सनग्लासेस इनकी फेवरेट एक्सेसरी हो, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे बुक निकला है तो ये बुक लवर्स हो सकते हैं, रीडिंग करना, लिटरेचर पढ़ना, पोइट्री पढ़ना इनका शौक हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे फ्रॉग आया है तो इनके आने के पहले कोई और एक पर्सन, गलत पर्सन आपके लाइफ में टकराएगा फिर ये आपके लाइफ में आएंगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे मास्क आया है तो ये प्रिटेंड करते हैं, जैसे जो चीज़ें नहीं है ये वो दिखाते नहीं है, या फिर इनको ओपन अप होने में टाइम लगता हो, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है। कई बार हमारा जो ओरिजिनल सेल्फ होता है वो हम सभी के सामने रखते हैं, ऐसा नहीं हम बाहर से दिखाते हैं कि एकदम परफेक्ट है या फिर प्रेजेंटेबल है, लेकिन अंदर से कई बार बहुत कुछ चल रहा होता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। यहाँ पे आउल निकला है तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हो सकती है, स्मार्टनेस इनमें रहेगी। मुझे लगता है कि एक स्ट्रीट स्मार्ट जो पर्सन है वो ये हो सकते हैं। यहाँ पे दूसरा जो सिंबल निकला है वो मुझे ये इंडिकेट करता है कि ये बहुत एडप्टिव नेचर के हैं, जो सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग ये ढल जाते हैं, जैसा जिसके सामने बात करना है वैसा ये करते हैं। यानी इनके जो पर्सनालिटी के शेड्स है वो सामने वाले की पर्सनालिटी को देखते हुए बाहर आते हैं, और किसके सामने कौन सी बात रखना है, कब सीधी उंगली से घी निकालना है, कब उंगली टेढ़ी करना है, ये सब चीज़ें ये जानते हो, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो काफ़ी होशियार ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़े दिल के ये इंसान हो सकते हैं, यानी बहुत हेल्पिंग नेचर की ये है, सबकी मदद करते हैं, इनका दिल बहुत साफ है, दुनियादारी ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया और अब ये बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस इनमें आ गई हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे फ्रूट भी आया है तो हो सकता है कि ये इंसान जो है
बहुत ज्यादा पोलाइट, वेल मैनर्ड, प्रेजेंटेबल रहता है। जैसे कोई पेड़ फलों से जितना ज्यादा लदा होता है उतना ही ज्यादा वो झुका हुआ होता है, वैसा कुछ ये इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड। बहुत सारे वॉन्ड कार्ड जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन होगा, या फिर ये बहुत ज्यादा पैशनेटली इंटेंसली आपके बारे में फील करते हैं, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। डेविल का कार्ड ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंसान पागलों के जैसे आपको प्यार कर रहा है, लेकिन शायद कहने से डरता है क्योंकि डेविल जो है वो इनसिक्योरिटीज को भी दर्शा रहा है। तो हो सकता है कि ये खुद को कम समझते हो, हालांकि हकीकत कुछ और ही हो सकती है, लेकिन कई बार खुद को डाउट करने वाला ये इंसान होता है, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इस इंसान के साथ शायद आप भी स्टक हो, शायद ये आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है और अपने थॉट प्रोसेस को अब तक पहुंचाते हैं, इसलिए आपको भी नहीं पता चलता है कि आप इनके बारे में क्यों सोचने लगे हो या फिर आपका ध्यान इनके ऊपर क्यों जा रहा है। तो अगर हाल फिलहाल ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आया है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे और आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आप सोच ही क्यों रहे हो, तो ये वो इंसान हो सकता है। वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड होके ये सारे चेंजेस आप में करवा रहा है, दरअसल वो आपके बारे में सोच रहा है, वो चाहता है कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, आपका ध्यान खींचने के लिए वो आपके बारे में सोचते रहता है, एनर्जेटिकली आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक से ज़्यादा पर्सन आप लोगों में इंटरेस्टेड है, यानी दो लोगों का आप में इंटरेस्ट लेना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये उसमें से एक पर्सन ऐसा है जो आपको भी पसंद है, यानी आपको भी उनके ऊपर क्रश हो, आप भी उनके उनके तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और दूसरा जो पर्सन है शायद उससे आप थोड़े से चिढ़ते हो या फिर थोड़े से उससे कटे कटे से रहते हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल सिचुएशन बन रही है, यानी आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है और कोई एक थर्ड पर्सन जो आप में और भी इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस इंसान की अटेंशन आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो और आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है, भले ही इन्होंने कुछ कहा नहीं है, वर्बल कॉन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में नहीं हुआ है, लेकिन शायद आपको इस एनर्जी का एहसास हो चुका है कि कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है या फिर कोई आपको पसंद कर रहा है, बट कवर अप करने की कोशिश करता है, ये शायद आपको पता चल गया है। वो दोनों लोगों के बारे में शायद आपको पता चल गया हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो और लोग आपसे जेलस करते हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके लिए मैं यही गाइडेंस करूँगी कि अगर आप जिस रूम में सो रहे हो वहाँ पे कोई मिरर है या फिर टीवी है तो आप उसको कवर करके सोइएगा, क्योंकि कोई आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। साथ ही में आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपसे कुछ लोग जेलस भी करते हैं, यानी हो सकता है कि वो आपकी सेल्फ इस्टीम को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें, या फिर बाकी लोग अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा कह दे जिसकी वजह से आपको खुद के लिए अच्छा फील ना आए, दरअसल ये आपसे जेलस फील करते हैं, इसकी वजह से ये आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। मतलब आप एक मैग्नेट के जैसे हो और आप ईविल आई भी अट्रैक्ट करते हो और आप अटेंशन भी अट्रैक्ट करते हो। हो सकता है कि आप जहाँ जाते हो वहाँ पर नोटिस हो जाते हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं हो लेकिन लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपकी तरफ खींचे चले आते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जब कुछ अच्छे लोग खींचे चले आते हैं तब कुछ इविल आई भी आप अट्रैक्ट करते हो, तो आपके लिए यही सजेशन है कि अगर आप कुछ फ्यूचर प्लान करते हो तो आपके फ्यूचर गोल्स या फिर आपकी खुशियाँ आप ज़्यादा शेयर ना करें, क्योंकि आपको नज़र लग जाती है। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो वो भी आप चुप रहिए, नहीं तो वहाँ पे कुछ आप ब्लॉकेजेस ऑब्स्टेकल्स फेस करोगे,
ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप कहीं ड्रेसअप होके चले गए हो और जब आप आते हो तब अचानक से हेडेक हो जाना या फिर भारीपन फील होना या फिर मूड आपका ऑफ हो जाना, इस टाइप से अगर आपने कुछ फील किया है तो डेफिनेटली आपने कोई नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट की है। वो इसलिए होता है क्योंकि लोगों की नज़र आप पे रहती है, वो आपको नोटिस करते हैं, और जहाँ कुछ अच्छे होती है एनर्जी वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो, वैसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के फीलिंग्स म्यूचुअल रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। तो जो पर्सन आपके दिलो दिमाग से नहीं जा रहा है वो भी सीक्रेटली आपके ऊपर फिदा है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। और भी कुछ लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन आप उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी उस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर, आपका ध्यान इनके ऊपर और इनका ध्यान भी आपके ऊपर, ऐसा कुछ सिनारियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टडीज रिलेटेड मीटिंग के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक्स आई थी, यहाँ फिर से मुझे बुक्स दिख रही है। तो हो सकता है कि हायर एजुकेशन के दौरान या फिर एजुकेशन के दौरान आप लोग मिले हो, ये चीज़ें हो सकती है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के दौरान आप लोगों की मीटिंग रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा चूजी और सेलेक्टिव हो, आप बहुत जल्दी से सबके साथ एक कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश करते हो, आप अपने आप में रहना पसंद करते हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ज़्यादा क्लासी हो आप, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ ही लोग आपके दिल के करीब आते हैं, कुछ ही लोग आपके दिल के तार छेड़ पाते हैं, और ये इंसान उसमें से एक है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल दोनों भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पुल और पुश दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी तो आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे और कभी आप इनसे दूर जाने की कोशिश करोगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट जो भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हिडन लेवल पे है, यानी सीक्रेटिव नेचर के ये हो सकते हैं, या फिर अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपनी बात रख ले, बट बिना कहे ही आप तक ये बात पहुँच गई है। और अभी इस वक्त अगर आपको कोई नाम क्लिक हो रहा है तो ये वही इंसान है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। इनके लिए मैं यही कहूंगी कि ये शब्दों के जादूगर है। आपके ऊपर इनका जो इफेक्ट आता है वो बहुत ज्यादा मैजिकल हो सकता है, जैसे किसी इंसान का नशा सा चढ़ जाना, वैसा कुछ आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, यही चीजें मुझे यहाँ पर लग रही है। मुझे लगता है कि ये इंसान जो है इस कनेक्शन को आगे तक ले जाना चाह रहा है, कंप्लीशन के बारे में सोच रहा है, यानी लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके ये आपके बारे में सोच रहा हो, लेकिन उनको कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा हो या फिर सही टाइमिंग की ये वेट कर रहा हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी इस वक्त ये इंसान खामोश तो है, कुछ हलचल आपको दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप एनर्जी सेंस कर सकते हो तो इनकी एनर्जी आप सेंस कर सकते हो, और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन आप पे फिदा है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ टैटूज बनाए हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर इन्होंने अपने हेयर को कलर किया हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्सेसरीज पहनते हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। जो भी आप पे फिदा है उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, तो ये कुछ तरीकों से आप उनको पहचान सकते हो, इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ऐसे बाकी टाइम तो ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, इनके फंडे बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं, लेकिन आप थोड़े से इनको कन्फ्यूज कर देते हो, या फिर ये इंसान को ना फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, यानी बात रख दे और फिर रिजेक्ट हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा डरते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो चाहते आप दोनों भी एक दूसरे को हो, पसंद आप दोनों भी एक दूसरे को कर रहे हो, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन एक दूसरे के थॉट प्रोसेस में तो आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, तो जो भी पर्सन ऑन माइंड है वो आपके ऊपर भी फिदा है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो ग्रुप टू के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझें। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, रहा आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसे चैनल पर। टिल देन बाय, टेक केयर।